अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीद अख्तर और आप देख रहे हैं नवीद 579। तो दोस्तों आइस नेटवर्क का तो सबको पता है, सबने इसके ऊपर काम किया था और उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अब आइस नेटवर्क की ब्लॉकचेन के ऊपर ये पहला प्रोजेक्ट आया है जिसको बकायदा आइस नेटवर्क जो है सपोर्ट कर रहा है। ये क्या प्रोजेक्ट है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आप इसके अंदर अपने KYC कर सकते हैं, कैसे आप इस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो छोटी मोटी अपडेट है उसमें मैं देता रहता हूँ। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मेरा UAN रेफरल कोड है, आपने जैसे इसको कॉपी कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपने एंड्रॉयड है तो आपने इसके गूगल प्ले के ऊपर इतना जो है ना आपने इसको जो है ना ये इस पर क्लिक करना है और आपने इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपने जैसे इसको ओपन करना है, वो जो रेफरल लिंक है Navid579 वो आपने लाजमी याद रखना है, वो आगे आपके काम आएगा। कहाँ पे पुट करना है, क्योंकि वो पुट करेंगे तो आपकी माइनिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। जहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल देनी है, ईमेल देने के बाद आपने लॉग इन या साइनअप पर क्लिक कर देना है। तो एक बार यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि जैसे आप अपनी ईमेल देंगे, ईमेल देने के बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा टू मैनी जो है ना रिक्वेस्ट, यानी कि टू मैनी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही हैं। ठीक है, अपने बार बार ट्राई करना है। अगर आप वाईफाई पे कर रहे हैं तो ये मसला आ सकता है, अगर आप सिम का नेट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जो है ना कोई मसला नहीं आएगा। आपने जैसे इसके ऊपर लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है, तो आपके OTP पे यानी कि आपके मोबाइल ईमेल पे OTP जाएगा 3 वर्ड का, आपने वो जो दोबारा इसमें पुट करके जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो जी दोस्तों, इस तरीके से आपकी ईमेल पे OTP जाएगा। OTP आने के बाद आपने यहाँ पे 621 जो मेरे ईमेल पे OTP है वो ऐड कर देना। ऐड करने के बाद ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब स्टेप बाय स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला आ गया जी, नेक्स्ट स्टेप पे किया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे किया। तो यहाँ पे जो है ना अपने अपना निक नेम रखना है, यहाँ पे अपने अपना निक नेम रखना है, इंटरव्यू निक नेम। ठीक हो गया, नेक्स्ट जो है तो यहाँ पे आपसे जो है ना मेरा जो रेफरल कोड मांगेगा Navid579 NAVWD Navid579 करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। तो अगर लिंक से मेरे करेंगे फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वैसे आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे फिर आपसे जो है ना कोड मांगेगा। आपने ये सारा चेक कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप ऑल पे क्लिक कर देते हैं। स्किप ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे जैसे आइस वाले को जो हर 24 घंटे बाद आपने क्लिक करना होता है, यहाँ पर आपने जैसे क्लिक करना है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके कुछ टास्क वगैरह हैं वो आपने बाद में कंप्लीट कर लेना है। इसका बूस्टर अकाउंट भी अगर आपने लेना चाहते हैं तो ले लिए, अदरवाइज फिलहाल फ्री पे काम करना है अपने। जैसे फ्री वाले अकाउंट पे जो है ना अपने इसको बूस्टर की फिलहाल जरूरत कोई नहीं है। बूस्टर ले लेंगे तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर वो उसका कोई नहीं इतना होगा, क्योंकि बूस्टर लेंगे तो फिर आपको जो है ना वो स्पीड ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब ये देखिए अर्निंग रेट जो है वो आपका 20 हॉर्स की स्पीड चल रहा है, SW पर हॉर के हिसाब से चल रहा है। अब आप यहाँ अपना ट्विटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ कनेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब ये देखिए ये टास्क दे रखा है, आपने जो है पहले क्लेम जो निक नेम पे कर लिया, स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक कर लिया। अब आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है अगर आप लगाना चाहते हैं तो, फिर आपने फॉलो ट्विटर करना है, ज्वाइन टेलीग्राम करना है, इनवाइट फ्रेंड वगैरह कर लेने हैं अगर आपने करने हैं तो, ज़्यादा वेल एंड गुड अगर नहीं करेंगे तो इसका कोई मसला नहीं है। तो जो फॉलो वगैरह करने पर नीचे देखिए सोशल टास्क आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इनके ट्विटर वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन टेलीग्राम पर आप जो है इस पर क्लिक करके इनका टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपके टास्क जो है कम्प्लीट होते जाएंगे। तो ट्विटर के लिए फिलहाल हमको VPN इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना ट्विटर फिलहाल चल नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए मेरा उनका जो है वो 268.8K जो सब्सक्राइबर है, मैंने इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन करके मैं वापस जाता हूँ उसी एप्लीकेशन पे जाता हूँ, तो ये थोड़ी देर बाद जैसे ही रिफ्रेश होगा या थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक जो है ना ये मेरा ये टेलीग्राम वाला भी जो है ना वो टास्क पूरा हो जाएगा। तो प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगाने के बाद आपके जो है ना ये लेवल इंक्रीज होंगे, जितने लेवल इंक्रीज होंगे उतनी आपके जो है वो अर्निंग ज़्यादा होगी। लेवल कैसे इंक्रीज होगे, इनके आपने टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक हो गया, अगर ज़्यादा फ्रेंड को ज्वाइन करवाएंगे तो आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया ना, तो इस तरीके से आपने इनके जितने भी टास्क सारे टास्क अपने कंप्लीट लाजमी कर लेने। अगर आपने फ्रेंड रेफर नहीं करते तो कम अज़ कम जितने भी इसके जो टास्क वगैरह हैं वो सारे आपने जो है ना इनको ये कम्प्लीट वगैरह कर लेना है।
तो जी दोस्तों, सेम बिल्कुल सेम ये आइस टीथ की तरह है। आपने जैसे यहाँ पे SW पे जब काफ़ी देर होल्ड करके रखेंगे ना, तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए इस पर होल्ड करके देखेंगे, अगर आपकी KYC आ जाएगी, तो जब आप इस पर होल्ड करके रखेंगे तो आपकी KYC वेरिफिकेशन, इनकी जैसे आइस की फेस के KYC थी ना, वैसे सेम इसकी आइस ये इसकी जो है ना फेस वेरीफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी एक्टिव हो जाएगी तो अब ये कहेगा कि अपने कैमरे की तरफ देखना है कि आपके कैमरे का लेंस वगैरह ठीक हो। ठीक है, चेहरे को लेफ्ट करें, लाइट करें, अप करें, डाउन करें, ब्लिंक करें, इस तरीके से आपकी लाइव जो है ना वो वीडियो लेंगे। वीडियो लेने के बाद आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट KYC कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो अर्निंग स्पीड वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद इनका बूस्टर वगैरह पैकेज है वो किस तरीके से लेना है वो भी मैं बता देता हूँ अगर आपने लेना है। तो अब आपने यहाँ पे इन इन डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो बूस्ट वाला ऑप्शन आ चुका है, आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब वो कह रहा है कि आपका जो है तकरीबन 597 यानी कि 597 आइस आपके पास टोकन होने चाहिए। ठीक हो गया, टोकन होंगे। अगर आपके पास टोकन नहीं है तो बाय वाला ऑप्शन आ रहा है, बाय वाला ऑप्शन इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास किसी भी वॉलेट में पड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ से इधर सेंड करके आप अपने जो है ना वो करवा सकते हैं। अब आपने ये इतने जो आइस टोकन यहाँ पे सेंड करने हैं, ये आपको एड्रेस देंगे, उस एड्रेस के ऊपर ही देखने जिस एड्रेस को जो है आपने इसको कॉपी कर लेना है, ताकि आपने इतनी अमाउंट आपके इनको सेंड करनी है। सेंड करने के बाद जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको एक एड्रेस दिया जाएगा, सेलेक्ट नेटवर्क दिया जाएगा, हैश टैग दी जाएगी, ताकि आप जो है ना इस पे उनके जो है आइस टोकन सेंड करेंगे तो आपका ये बूस्टर वाला पैकेज लग जाएगा। मैनुअल लगवाना चाहते हैं, मेरे से लगवाना चाहते हैं, तो मैं आपको वो लगवा दूंगा। जो करंट प्राइस चल रही होगी वो बता दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में आकर मुझे मैसेज वगैरह कर दीजिएगा। खुद लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड है कि आप खुद लगाएंगे तो आप खुद जो है जितनी अमाउंट जो है आइस की थी इसको ट्रांसफ़र कीजिएगा और अपना पैकेज लगा लीजिएगा। अभी इसकी जो वैल्यू है वो डाउन जा रही है इस नेटवर्क की। ठीक हो गया, तो आप अभी ये सस्ते में आपको मिल जाएगा, पाकिस्तानी तकरीबन 1500 से 1600 रुपये में मिल जाएगा, या वैसे तकरीबन तकरीबन ये $5-10 के ये बन जाएंगे। तो आप उसको जो है ना ये एक्टिवेट कर लीजिएगा, क्योंकि कीजिएगा एक्टिवेट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट वो मिल जाएगा। हो सके तो बाद में ये कंपलसरी कर दें कि आपको बूस्टर लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए बात बात, लेकिन अगर अर्निंग स्पीड अच्छी करनी है तो आप बूस्टर लगवा लीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब अगर बूस्टर पैकेज का फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है तकरीबन जितनी भी स्पीड आ रही है वो 75% इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपकी जो रेफरल की लिमिट है वो 15 रेफरल पर लिमिट वो बढ़ जाएगी। ठीक, और आपका सेशन जो लेंथ है 24 आवर का हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लगवाते तो ये सारी चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। आपका जो हो सकता है कि आपको रेफरल जो है वो कम मिलें, या आपको 5 कर सकें या 6 कर सकें या 4-5 कर सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। ज़्यादा बेनिफिट लेना होगा तो आपको जो है इसका करना पड़ेगा। लेवल 4 में आते हैं तो उस पर फिर और एक्स्ट्रा चीज़ें आती जाएंगी। अब ये देखें, लेवल 4 में आते हैं, चूज़ लेवल करते हैं, तो आपको जो है इसका इतने ये देने पड़ेंगे, आपको 100% आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, 20 रेफरल की लिमिट आ जाएगी और 48 जो है आपका सेशन हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, यानी हर 48 घंटे के बाद आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप इसको बढ़ते जाएंगे, 5th लेवल पर आएंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, फाइनल जो है इसका 5th लेवल है। 5th लेवल पर आपने तकरीबन इसको 199.95 यानी कि 1000 वो आपको इसको सेंड करने पड़ेंगे, आइस सेंड करने पड़ेंगे। ये आपकी 125 स्पीड हो जाएगी, रेफरल लिमिट आपकी 25 हो जाएगी, नो मोर स्लैशिंग भी नहीं आप आएंगी, और आपका जो है 424 आवर का ही ज़्यादा होगा। अब आप पे डिपेंड करते हैं आप किस लेवल की जो आप इसकी करते हैं, कम से कम 1 लेवल की करनी है। अगर 1 लेवल की करनी है तो 199 आपको आई सेंड करने पड़ेगा, 25 होगा रेफरल लिमिट, 5 होगी। अगर लेवल 2 की करेंगे तो पर इस तरीके से जो है ना जो भी आपको यानी कि मुनासिब लगे आपने उसकी कर लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।